हरी गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जा उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में सची सची बात बताओ जियो सची सची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवर अजी मारा रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कंवर अजी गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहिया जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझियाओ एक 80 बरसरा डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांजिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांजिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो मख मख मारे रुनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो मख मख मारे कबरे बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांजिया हो और बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में जाने सु बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांजिया आदमी रा सुगन ले खेत में मेहनत करने सु मतलब कहीं अब देखो करसा अवल कावल शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांजियो के वेरे मारो मुखी नहीं देखे
अरे बांजियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरे अजीमा रूनी चिरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरे अजीमा देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसू री लड़ी पे वे अपनी रानी मेणा देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊंगा। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले सुधारने दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने दुनिया महाने मोसा बोले एकता बदले कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सांवरा इतरो मत बन मूंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसो उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है।
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी का लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी का लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे, और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार बुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबर, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बांस जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला।
सुन रे अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकू पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे तारे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे